बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के पास एक संदिग्ध बैग मिलने की खबर आ रही है और ये एक चिंता का विषय है। गेट नंबर एक के पास संदिग्ध बैग मिला। पुनीत शर्मा हमारे साथ है। पुनीत, पूरी खबर बताएं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन आधे घंटे पहले पुलिस के पास एक कॉल पहुंची थी कि राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर एक के पास एक संदिग्ध बैग है। फौरन ही जो पुलिस की तमाम टीमें थी वो मौके पर पहुंची हैं। फायर की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। तमाम आला अधिकारी और एनएसजी की टीम भी यहां पर है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हम लोग गेट नंबर एक के पास ही इस वक्त खड़े हुए हैं। पूरा जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सर्च चल रहा है। हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं निकला है, तो कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी उनका ये कहना है कि एक हॉक्स कॉल हो सकती है। लेकिन चूंकि 15 अगस्त का मौका है, एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस वजह से पूरे एरिए को अभी सर्च किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह का बैग या संदिग्ध वस्तु नहीं मिल पाई है। लेकिन ये कॉल थी, तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है और ट्रैक करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है। यानी ये सिर्फ एक खबर थी कि ऐसा बैग मिला है, ऐसा बैग कोई मिला नहीं है, राइट? सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन चूंकि कोई भी खबर हल्की नहीं होती और चूंकि ये मामला संदिग्ध बैग से जुड़ा था, राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एनएसजी की टीम भी पहुंची हुई है। फायर टेंडर्स की गाड़ियां, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा हुआ है और जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और इस पूरे जो एरिया है वहाँ की तलाशी ली जा रही है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अभी भी जांच कर रही है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए।